बिग बॉस में हलचल तेज हो गई है क्योंकि खेसारी लाल यादव की टीम अब जीत चुकी है और उनके टीम के कैप्टन थे असीम रियाज को ये अधिकार अब बिग बॉस ने दिया है कि घर के दो कैप्टन को वो चुने। तो भाई असीम ने चुना है हिमांशी खुराना और दूसरी शेफाली जरीवाला। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि सभी ने शेफाली जरीवाला को ही कैप्टन चुना। हिमांशी खुराना को कैप्टनशिप न चुने जाने के लिए ये बताया गया कि वो अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पाती, साथ ही साथ हिमांशी बेचारी बनी रहती हैं और तो और जो भी आता है उन्हें सुना कर चला जाता है लेकिन उसके बदले में वो कुछ नहीं कहती। और तो और बिग बॉस का कैप्टन वो होना चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके, इसलिए शेफाली जरीवाला में ये सारी खूबियां हैं जो कि बिग बॉस के कैप्टनशिप में जरूरी है। बिग बॉस की नई कैप्टन शेफाली जरीवाला होंगी और तो और खेसारी लाल यादव की पसंद भी शेफाली जरीवाला है। जब शेफाली को एज ए कैप्टन चुनने की बारी आई तो खेसारी लाल यादव ने भी यही रीजन बताया कि शेफाली अपने दावों को एकदम अच्छे ढंग से रखती हैं, अपनी बात को वो किस तरह लोगों को समझाना है वो बताती हैं और जो बात गलत है उसे गलत कहती हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए बिग बॉस के कैप्टन में। तो भाई अब शेफाली जरीवाला बन गई है बिग बॉस की नई कैप्टन और वो भी खेसारी लाल यादव के पसंद की। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।